पंजाब कर्मचारी पेंशनर संयुक्त फ्रंट की बैठक हुई, जिसमें विशेष रूप से पंजाब प्रधान सतीश राणा शामिल हुए, जिसमें सर्वसम्मति से रवि दत्त, युवराज, नरेश कुमार, सत्य प्रकाश, निशांत सिंह, अमरीक सिंह, बलवंत सिंह, शंभू शर्मा, गुरदयाल को जिला पठानकोट के कन्वीनर बनाए गए। नरेश कुमार तथा गुरनाम सिंह को कोऑर्डिनेटर बनाया गया। जिस बैठक में PSSF, PSPCL, जॉइंट फॉर्म, PSPCL, एकता मंच, पंजाब स्टेट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, पंजाब स्टेट पेंशनर, पंजाब पेंशनर पुलिस, PSPL पेंशनर आदि के पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर संबोधन करते हुए PSSF पंजाब प्रधान सतीश राणा ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा कर्मचारियों के भत्तों में भारी कटौती की गई थी, जिसके कारण पंजाब के समूचे कर्मचारी पेंशनरों ने पिछली कांग्रेस सरकार का डटकर विरोध किया, जिसके विरोध स्वरूप पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। उन्होंने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद कर्मचारी पेंशनरों को बहुत आशा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कर्मचारी पेंशनरों मांगों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को 20 महीने में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को डीए 46% दिया जा रहा है, जबकि पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों को 38% डीए दिया जा रहा है। वहीं पुरानी पेंशन लागू की जाए, पे कमीशन का बकाया नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पंजाब के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी रेगुलर करने की घोषणा की गई है, उसको अमली जामा बनाकर अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। जो कर्मचारी भत्तों में कटौती की गई है उनको बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार से मांग की है कि लिस्ट में ठेकेदार कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन एक समान 26,000 किया जाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के साथ जो चुनावी वादे किए हैं उनको पंजाब सरकार शीघ्र पूरा करे, जिसके तहत वेतन आयोग की त्रुटियां दूर की जाए। सुजानपुर से मनोज की रिपोर्ट, AMI न्यूज, पठानकोट। अज असी पंजाब मुलाजम ते पेंशन सांझा फ्रंट जिला पठानकोट जिहड़ी मीटिंग कीती है, इहदे विच वख-वख मुलाजमां ते पेंशनां दी जथेबंदी शामिल होई आ। इस मीटिंग दे विच जिथे असी जिला कमेटी दा गठन कीता गया, उहदे नाल ही जिहड़े अगले एक्शन है उहदी रूपरेखा लिखी गई, ते 16 फरवरी दी जिहड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन मुलाजम फेडरेशन एसोसीएशन वल्लों हड़ताल कीती जा रही है, उहदे बारे जिहड़ा मता पास कीता गया। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 2.99 ਗੁਣਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ DA ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣ ਪੱਤਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੰਡੋਰਾ ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ सरकार गलबात करके उन्होंने मंगा दे निपटारा करे। आज दी मीटिंग फैसला किया गया। अद्विका की साल की सबसे बड़ी बॉक्सिंग डे सेल में आए और 70% तक डिस्काउंट पाए। लेडी सूट्स, लहंगास, गाउन्स, शॉल्स, गरम सूट और जेंट्स लोईस। एड्रेस A3 पटेल चौक, पठानकोट, दुर्दासपुर, बाटा चौक, साहूवालिया कॉम्प्लेक्स, चर्च के नजदीक। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।